वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन आपकी बहुत बढ़िया चल रही होगी और इसी के साथ आज का भी एक सेशन आपकी तैयारी के साथ आपकी तैयारी के नाम और इस सेशन में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बहुत ही अच्छे बेसिक एग्रीकल्चर और जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन इसमें ओवरऑल सभी सब्जेक्ट से हमने काफ़ी क्वेश्चन को उठाने की कोशिश की है और ये क्वेश्चंस काफ़ी बार कई बार रिपीट हुए हैं कई एग्जाम में तो उन्हीं को आप लोगों के सामने रखा जाएगा और सबसे बड़ी चीज़ आज के बाद आप लोगों के लिए एक ये है कि कहीं ना कहीं मतलब कमेंट्स में या फिर बाकी जगह पे थोड़ी सी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी और काफ़ी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करती थी तो अभी आपके लिए जो लाइव सेशन में कमेंट ऑन किए गए हैं वो केवल उन्हीं बच्चों के लिए है जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं चैनल को ताकि एक कहते हैं कि अच्छे बच्चों के साथ अगर लिमिटेड कनेक्शन बने कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें वो कनेक्शन नहीं चाहिए कि जिसके अंदर भीड़ हो एटलीस्ट वो कनेक्शन चाहिए जिसके अंदर आप लोगों के साथ एक अच्छे लेवल से अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके और हम अच्छे लेवल से आपको पढ़ा भी सकें तो उसी के पार्ट के साथ आप लोगों को यहाँ पर हम प्रोवाइड करवाएंगे आज के साथ या आज के आने आ, आज के बाद यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे जितने भी सीरीज रहेंगी ठीक है उनमें आपको काफ़ी हेल्प भी मिलेगी आने वाले एग्ज़ाम में और दूसरी बात है कि अभी प्रेजेंट टाइम में आप अगर सीसीआई के फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं और ए एफ के फॉर्म को फिलअप कर चुके हैं तो अपनी प्रिपरेशन को दुगनी कर दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है और कंपटीशन में बहुत सारे लोग हैं और हमें टाइम वेस्ट नहीं करना है क्योंकि हमारे पास समय की कमी है ऑलरेडी ठीक है चलिए तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ मैक्सिमम बच्चों के साथ इसको जो है शेयर कीजिए ताकि बहुत आ, हम अच्छे से जो है इसको डिस्कस कर पाए और बाकी लोगों के साथ भी इसको डिस्कस कर पाए ठीक है चलिए तो स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अगेन बोलूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बाकी हमारे सोशल मीडिया जो चैनल है इनको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है चलिए तो सबसे पहले आपका यहां पर क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका है रागी इज कि रागी क्या है एक सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप है क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है सेल्फ इनकॉम्पेटिबल क्रॉप है या फिर नन ऑफ दी अब है आपको रागी के बारे में पूछा जा रहा है फिंगर मिलेट्स के बारे में पूछा जा रहा है कि फिंगर मिलेट एक कैसी क्रॉप है ठीक है फिंगर तो मिलेट की जो नेचर ऑफ क्योंकि हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप पढ़ते हैं तो आप लोग जानते हैं कि हम क्रॉप को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बहुत सारे क्लासिफिकेशन के बेस होते हैं सबसे पहले हमारा होता है कि हम क्लाइमेट के बेस पर आपकी क्रॉप को क्लासिफिकेशन करते हैं जिसमें ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल और टेम्परेट क्रॉप को जो है आपका डिस्कस किया जाता है उसके बाद में हम क्लाइमेट में ही सोलर रेडिएशन के बिहाफ पर जो फोटो पीरियोडिजम होता है उस बेसिस पर हम लोग क्लासीफाई करते हैं उसमें हमारा रहता है क्या

वेरी गुड बहुत बढ़िया आप सबका आंसर जो है बिल्कुल सही है आंसर यहां पर है क्या सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप और ये सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप को एग्जाम्पल केवल एक ही नहीं बाकी भी आप लोगों को याद करने चाहिए लेकिन इसी के साथ आपके मिलेट्स का एक पूरा का पूरा आप लोगों के सामने जो है एक चार्ट है इसके अंदर सबसे पहले आपका यहाँ पर जो मिलेट uh, है उनका नाम लिखा गया है कॉमन uh, जो इंग्लिश नेम हम कॉमन नेम बोलते हैं उसके बाद आपका हिंदी नेम उसका लिखा गया है और उसके बाद अलग अलग जो लैंग्वेज है इसके अंदर इनको क्या बोला जाता है तो वो नाम आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट है, है तो सबसे पहले जैसे यहाँ पर आपका सोरगम है फिर आपका पर्ल मिलेट है फिंगर मिलेट है लिटिल मिलेट है कोदो मिलेट है फोक्सटेल मिलेट है बानियर्ड मिलेट मिलेट है और आपका प्रोसो मिलेट है तो इनके नाम आपके सामने हैं जो हिंदी में है संस्कृत में है कन्नड़ा में है तमिल में है तेलुगु में है मलयालम में है मराठी में है गुजराती में है बंगाली में है और पंजाबी में भी नाम है दिया गया है तो अगर आपको एटलीस्ट अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको याद करना है तो आप इनको ईजिली याद कर सकते हो और लंबे टाइम तक याद भी रख सकते हो ठीक है तो ये आपके लिए एक अच्छा जो है समराइजेबल टेबल है जिसको आप लोग अपने पास इसको संभाल

बहुत बढ़िया हरिओम सिंगला ने ए आंसर किया है देवासिस ने भी ए आंसर किया है अगेन एप्सिनिया ओके रेस्ट ऑफ ऑल आकांक्षा अविनाश इन्होंने भी ए ही आंसर किया है रमन गुड चलिए इन सब लोगों की रिक्वेस्ट बिल्कुल सही है और इनका जो आंसर किया गया है इज़ तो होगा? होगा, तो द और ड्यूरम बीट का साइंटिफिक नेम क्या होता है जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर लिखकर बताओ ठीक है टेटिकम एस्टिवम टेटिकम ड्यूरम या कोई और अगला आपके लिए अगेन क्वेश्चन है क्वेश्चन क्या है देखिए जरा आराम से Permanent adventitious root of wheat is called. कि आपका वीट का जो परमानेंट एडवेंटिशियस रूट होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं क्या वो प्राइमरी रूट होती हैं क्या वो सेकेंडरी रूट है क्या वो कॉलोनल रूट है या फिर इनमें से कोई भी नहीं है आप लोग जानते होंगे कि यहां पर वीट जो है एक बार उसके अंदर जो रूट्स आती हैं वो कुछ टाइम के बाद अप्रोक्सीमेटली इक्कीस से चौबीस दिन के अंदर वो क्या हो जाती हैं रिड्यूस हो जाती है और ये जो रूट रिड्यूस होती हैं उसके बाद वहां पर आपकी क्राउन रूट आती हैं और उन क्राउन रूट को हम लोग क्या बोलते हैं तो आप लोगों को

रूट उसको बोला जाएगा ठीक है आप में से काफी बच्चों ने पिछले क्वेश्चन का आंसर दिया कि जो हमारी वीट है, है? ठीक और ट्रिटिकम एसटीम के बाद इंडिया में सेकेंड मोस्ट जो आपका हाइएस्ट एरिया है वो किसके अंडर आता है ठीक है चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर आपका सी अगर दिया है तो आंसर बिल्कुल सही है अदरवाइज आंसर आपका गलत होगा ठीक है नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला आप, आपका क्वेश्चन है इज कॉल्ड एज ऑफ सीरियल इनमें से किसको हम लोग क्वीन ऑफ सीरियल जो है आपका मानते हैं क्या वीट को मानते हैं सोरगम को मानते हैं राइस को मानते हैं या फिर मेज को मानते हैं आप सब लोग जानते हैं कि यहां पर यह सारे के सारे क्या है आपके सीरियल्स हैं ठीक है और इसमें से भी आपका सोरगम को यहां पर हम लोग कंसिडर करते हैं एज ए कॉरस सीरियल और आपको पता होगा कि मिलेट्स भी आपका अलग एक कैटेगरी किया गया है सीरियल्स में से उसको भी क्यों किया गया क्योंकि मिलेट्स जो होते हैं वो वो आपके एक तो उनकी जो वाटर यूज एफिशिएंसी होती है वो कम होती है दूसरा उनकी आ, अगर हम ग्रोथ हैबिट्स की बात करें तो वो आपके ड्राईलैंड एरियाज में या फिर ज्यादा जहां पर पानी की कमी है वहां पर भी ग्रो करवाया जा सकता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उनका जो न्यूट्रिशन वैल्यू या फिर उनकी मिनरल वैल्यू जो होती है वो आपके सीरियल्स के कंपेरिजन में हाई होती है तीसरा उनको पेरिसिवल

ट है इसे हम लोग क्या बोलते हैं स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं क्या बोलते हैं स्टेपल फूड ऑफ वर्ल्ड ठीक है world, और अगर हम बात करें इंडिया की स्टेपल फूड क्रॉप तो वो आपकी क्या है इंडिया स्टेपल फूड क्रॉप क्या है राइस है ठीक है इंडियन स्टेपल इंडिया स्टेपल फूड क्रॉप और इसी के साथ अगर हम बात करें तो आपका वीट जो होता है वो यहां पर क्या होता है किंग ऑफ सीरियल भी होता है ठीक है ये भी आपको याद रखना चाहिए तो छोटी छोटी बातें हैं लेकिन कई बार हम लोग भूल जाते हैं और एग्जाम के अंदर इनका आंसर हमारे क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे ठीक है तो ऐसा नहीं वेरी गुड चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला आपका यहां पर क्वेश्चन क्या है रिलीज ऑफ एग पेरेस्ट्रॉइड ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम इज डन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कि आपका यहां पर जो एग पेरेस्ट्रॉइड है ट्राइकोग्रामा जैपोनिकम वो किसके लिए या किसके मैनेजमेंट के लिए किया जाता है पहला ऑप्शन है येलो स्टेम बोरर दूसरा ऑप्शन है ब्राउन प्लांट ओपर तीसरा ऑप्शन है गार्लमीज और फोर्थ ऑप्शन है लीफ फोल्डर कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया सब लोग जल्दी से बताइए कि यहां पर आपका जो एग एग्पैरास्ट्रोइ ट्राइकोग्रामा जेपोनिगम है वो किसके मैनेजमेंट के लिए यूज किया जाता है येलो स्टेम्बोर ब्राउन प्लांट ओपर गारीज या आपका लीफ फोल्डर वेरी गुड बहुत बढ़िया सब लोगों के आंसर आपके

करते है. Shoot and could be बाहर निकालेंगे तो वो इजिली बाहर निकलकर आ जाता है नॉर्मली अगर प्लांट को आप लोग इस प्रकार से पुलअप करोगे तो जल्दी से बाहर नहीं आएगा लेकिन जो डेड हर्ट या फिर हम यू कह सकते हैं कि कि जिस प्लांट के ऊपर आपका येलो स्टेम स्टेम्बोर का इन्फेक्शन अटैक हो चुका होगा उस केस में क्या होगा वो इजिली आपका पुलअप किया जा सकता है ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका इसका मैनेजमेंट जो बोला गया है मैनेजमेंट आप लोग मैंने वैसे अभी बता दिया था कि आपका ट्रैकोग्रामा जो स्पीसीज है ट्रैकोग्राम जैपोनिकम उसके एग को यूज किया जाता है और ये आपका एज ए एग पेरास्ट्रॉइड क्या करता है आपका काम करता है और यहां पर इसका मैग्निफाइड व्यू जो है आप लोग देख सकते हैं ठीक है तो ये आपका एटीएल लेवल के कितना होता है इसका तो टेन परसेंट जब डेड हार्ट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे है ना तो उस केस में हम लोग क्या बोलते हैं आपका यहां पर जो है टू परसेंट ऑफ वाइट ईयर सिम्टम अगर हमें देखने को मिलता है उसके हम क्या बोलते हैं उसको आपका एटीएल लेवल बोलते हैं क्लिप सिडलिंग टिप्स बिफोर ट्रांसप्लांटिंग टू इलिमिनेट द एग मास अभी बताया गया कि एग मॉसेस कहां पर होते हैं लीफ टिप के ऊपर प्रेजेंट होते हैं तो उस केस में हम उसके जो लीफ के टिप होते हैं उनको क्लिप को काट देते हैं और उस केस में जब हम ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है कि, कि किस आपके कंट्रोल मेजर के अंदर या किस पर्टिकुलर एक आपके आ, इंसेक्ट के डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं आपका लीफ के टिप को कट करते हैं तो वो आपका आंसर क्या रहेगा येलो स्टेम बोरर नेक्स्ट है इंस्टॉल द लाइट ट्रैप एट द रेट वन पर हेक्टेयर फिर फाइव पर एकड़ ठीक है तो इस केस में यहां पर एग पेरेस्टोइ को यूज किया था किसको ट्राइकोग्रामा जैपोनिगम को और या फिर हम लोग यहां पर कुछ नेचुरल आपके इंसेक्टिसाइड्स को स्प्रे कर सकते हैं जैसे कि नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट आपका जीरो पॉइंट जीरो थ्री परसेंट या फिर आपका नीम जो आपका एक्सट्रैक्ट है वो आपका फाइव परसेंट ठीक है तो इस सोल्यूशन को हम लोग लो मिक्स कर सकते हैं आपका एड ऑन कर सकते हैं उसके अंदर ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला क्वेश्चन यहां पर क्या होगा कम ऑन द होल एट द बेस ऑफ सोर्गम पेडेंकल आर ड्यू टू कि आपका जो सोर्गम का पेडेंकल होता है उसके बेस पर एक होल देखने को मिलता है वो होल किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के वजह से होता है या किस पर्टिकुलर इंसेक्ट के अटैक की वजह से होता है तो जल्दी से आंसर दीजिए कि आपका कॉन्टेरिया सोर्गिकोला होगा या आपका एथ्रीगोना सोकेटा होगा या चिलो पाच्यूल होगा या कैलोकोरियसा होगा तो इनमें से जल्दी से आंसर दीजिए कि इनमें से आंसर यहां पर क्या हो सकता है कम ऑन वेरी गुड वेरी गुड बहुत बढ़िया सोकेटा क्रोटोनेरिया सोर्गी सी चिलोपाटुलस वेरी गुड वेरी गुड विजेंद्रा वर्मा सुरुचि हरिओम सिंगला अंशुमान निष्प्रीत शर्मा वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अर्चना गुड बेटा आर्या ठीक है ग्रेट बहुत बढ़िया अगर हम बात करें तो यहां पर इसका आंसर क्या होगा आपका चिलू चिलो पार्च्यूल यानी कि थर्ड ऑप्शन अगर आपने किया है तो राइट आंसर है लेकिन यहां पर इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते हैं पहले तो इसके जो एग लार्वा और आपके एडल्ट होते हैं तो एग क्या होता है स्केल लाइक फ्लैट ओवल एग होता है इन बैचेस अंडर अंडर द सरफेस ऑफ लिवर लिव नियर द मिड मिड्रीब जो आपका मिड रिब होता है उसके नियर अबाउट अगर आप लोग देखोगे तो वहां पर पूरा क्या होगा आपको एग के मोशन देखने को मिलते हैं दूसरा आपका क्या होता है कि येलो ब्राउन विद ब्राउन हेड एंड prote- uh proteris uh sorry प्रोथोरेसिक आपका सिल्ड जो है वहां पर उसके अंदर देखने को मिलता है मतलब उसका जो लार्वा का सिम्टम है उसकी बताया जा रहा है कि वहां पर आपको ब्राउन हेड जो है उसके उसके अंदर जो है आपका है आपका साथ ब्राउन हेड आपको वहां पर पूरा पूरा का देखने को मिलेगा नेक्स्ट मोथ इज मीडियम साइज एंड स्ट्रो जो आपका मोथ होता है वो मीडियम साइज का होता है स्ट्रो कलर्ड होता है मतलब एक प्रकोशन ये कह सकते हैं कि आपका लाइट जो है ब्राउन कलर नेक्स्ट है सिम्टम ऑफ डैमेज तो इसके अंदर आपका क्या देखने को मिलेगा विदरिंग एंड डाइंग ऑफ सेंट्रल शूट जिसको हम लोग डेड हर्ट बोलते हैं जो अगेन हमने येलो स्टेबोर में पढ़ा था दूसरा हमारा

की जो आपका स्टेम होता है उसको इंटरनली आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो उसके अंदर टनल्स आपको ऑब्जर्व होंगी जब उसको काटकर आप मीडियम से देखते हैं तो उस केस के अंदर ठीक है तो ये आपको यहां पर देखने को मिलेगा कोई दिक्कत कोई क्वेश्चन किसी का चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है प्लेटिगेस्टर ओराइजे इज ए लार्वल पेरेस्ट्रॉइड ऑफ यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्लेटिगेस्टर ओराइजे जो है वो एक लार्वल पेरास्टोइड है इनमें से किस पर्टिकुलर आपका ऑर्गेनिज्म का कम ऑन वेरी गुड जल्दी से आंसर दीजिए मैं जस्ट एक सेकंड के अंदर सॉरी फॉ इंटरप्शन वेरी गुड बहुत बढ़िया काफी बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर कर दिया है कि प्लेटीजे जो ओराइजे होता है वो किसका यहां पर एक लार्वल पेरेस्टोइड होता है देखिए पहला ऑप्शन है येलो स्टेम्बोर दूसरा ऑप्शन है गालमीज तीसरा ऑप्शन है ब्राउन प्लांट ओपर और चौथा ऑप्शन है आपका लीफ होल्डर वेरी गुड आप में से काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल सही किया है और आंसर क्या जाएगा आपका गालमिज ठीक है और अगर गालमिज

तो यह ये यहाँ पर इसका मैनेजमेंट दिया गया है तो मैनेजमेंट के अंदर अगर बात करेंगे तो प्लेटीजेस्टर जो आपके ओराइजे यहाँ पर पेरास्टोइड होता है इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं ठीक है और इसमें अगर हम बात करें तो आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं कि प्लेटिजेस्टर ओराइजे जो है पेरास्टाइड प्यूपा में से और नेक्स्ट आपका है पेरास्टोइड प्लेटीजेस्टर आपका

प्रेजेंट टाइम में हमारे पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की वजह से लगातार बहुत सारे डिजीज और बहुत सारे आपके क्रॉनिकल डिजीज या फिर यू कह सकते हैं कि डेथ जो है आकर हो रही है और दूसरा जो फार्मर्स हैं उनकी हेल्थ के ऊपर भी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम में इसको अगर रोका नहीं गया तो ये ट्रेड के ऊपर भी ऊपर भी इंपैक्ट पड़ेगा होता है। तो में पर जो है, इसके अंदर जितने भी पेरास्ट्रॉइड होंगे या फिर आपके आ, हम माइक्रो जो आपके बायो कंट्रोल मेजर फॉलो करते हैं उसके अंदर ये सारे के सारे यहां पर किस में आते हैं आपके जो है आपके बायोलॉजिकल कंट्रोल में आते हैं और इनको हम हमें कम से कम जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम लोग यूज करेंगे उनको याद रखना चाहिए क्योंकि हर एग्जाम के अंदर आजकल इनकी रिगार्डिंग क्वेश्चंस काफी पूछे जा रहे हैं तो जहां पर भी आपका एक एंटोमोलॉजी पार्ट दिया गया है या फिर एग्रोनॉमी के अंदर कोई कंट्रोल मेजर आपका पार्ट दिया गया है तो उस केस में इनके बारे में हमें पता होना चाहिए ठीक है चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन यहां पर आपका है कैज़ुल एजेंट ऑफ बैक्टीरियल स्पोर्ट एंड सिस्ट्रेस कि आपका जो कैज़ुल सॉरी कोजल एजेंट होता है इसके अंदर बैक्टीरियल स्पोर्ट ऑफ सिस्ट्रेस का माफी चाहता हूं थोड़ा सा uh, जो है काफी ज्यादा बंबल हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा दिन में थक ज्यादा जाते हैं और वर्ड्स जो है आखिर में जाते जाते इतने ज्यादा हो जाते हैं कि मतलब बोलना बहुत मुश्किल हो जाता है ठीक है क्योंकि अब लगातार मॉर्निंग सात बजे से, से सेशन स्टार्ट हो गया था ठीक है सॉरी आठ बजे से ठीक है और आठ बजे से लेके अभी तक रात के आठ बज चुके हैं और बीच में आ, एक घंटे का मुश्किल से गैप मिलता है और उस केस के अंदर आप लोग समझ सकते हैं ना तो यहां पर आप लोगों के सामने अभी भी बैठे हैं तो, तो देट इज इंपॉर्टेंट ठीक है चलिए कॉजल एजेंट आपको बताना है बैक्टीरियल स्पोर्ट ऑफ सिट्रस के अंदर तो जल्दी से बताइए कि आपका सूडोमनाज सीरेंजी होगा जेंथो मोनाज पीवीसी पी होगा या जेंथो मोनास कंपेस्टिस पीवी सिट्रोमेला होगा या फिर आपका सीडोमोनास सोलनाई होगा जल्दी से आंसर कीजिए कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया हुजागिरी ने दो नंबर किया है और आपका यहाँ पर बहुत सारे बच्चों ने हरिओम सिंगला सिंह केवी अजय मिश्रा पवरित कोर अंशुमान और अविनाश वेरी गुड बहुत बढ़िया सब बच्चों ने ऑलमोस्ट आंसर यहाँ पर क्या किया है आपका बी किया है टू किया है तो दैट इज ग्रेट है ना सबका आंसर यहां पर क्या है बिल्कुल सही है देखिए कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं जो हम इजीली याद भी कर लेते हैं और ये लंबे टाइम तक याद भी रहते हैं तो आपको पता होगा ये सिट्रस कैंकर के जो होते हैं नॉर्मली आपके जो नॉर्मलीस होंगे वो आपको देखने को मिलते हैं लीफ के ऊपर स्टेम के ऊपर और आपके फ्रूट के ऊपर ठीक है स्किन लाइक स्ट्रक्चर होता है वो भी इसके अंदर देखने को मिलता है और लास्ट में आपका फ्रूट जो होता है वो कंप्लीटली सड़ जाता है ये आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं यहां पर ठीक है ये इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं पहला तो है कि क्वारंट

परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका वन आउट ऑफ हंड्रेड तो इसका मतलब ये हो गया कि जैसे फॉर एग्जाम्पल वन ग्राम आपका कोई पर्टिकुलर आपका केमिकल uh, या फिर कोई आपका इंग्रेडिएंट है जो कि हंड्रेड ग्राम वाटर के अंदर क्या किया गया है एड किया गया है अब हम क्या करते हैं ऊपर नीचे इसको टेन से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि दस ग्राम ऊपर हो गया यानी कि दस ग्राम आपका इंग्रेडिएंट है जो कि आपके वन थाउजेंड ग्राम के अंदर क्या किया गया है एड किया गया है और वन थाउजेंड ग्राम कितना होता है आपका वन लीटर के इक्वेलेंट होता है तो यानी कि जब आप वन लीटर सोल्यूशन में कुछ आप टेन ग्राम आपका प्रोडक्ट या इंग्रेडिएंट ऐड करते हो तो उस उसके सोल्यूशन आपका वन परसेंट सोल्यूशन कितना बनता है आपका वन परसेंट सोल्यूशन बनता है और पीपीएम का मतलब क्या होता है पीपीएम का मतलब ये होता है कि आपका पार्ट पर मिलियन हम लोग इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्या आपका पार्ट पर मिलियन ठीक है तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब होता है कि वन आउट ऑफ अब वन मिलियन के अंदर कितना होता है आपका दस लाख होता है कितना होता है दस लाख अब वन बाय टेन लैख की अगर हम बात करें तो इसमें कितना होता है आपका? Six zeros होती है आपका सिक्स होती यानी कि एक प्रकार से बाय पावर द अब यहां अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया ग्राम और ये भी आपका क्या हो गया ग्राम हो गया ठीक है अब सोच के देखिए कि यहां पर वन ग्राम में आपका कितना मिलीग्राम होता है तो यानी कि आपके एक ग्राम के अंदर होता है वन थाउजेंड मिलीग्राम और यहां पर नीचे हमारा क्या आ गया वैल्यू ग्राम के अंदर आ गया ठीक है अब क्या हो गया ये आपका टेन लैख ग्राम तो एक हजार मिलीग्राम किसमें आपके दस लाख ग्राम के अंदर तो हम लोग जीरो को जीरो से कट कर देते हैं तो आपका यहां पर क्या बचा वन मिलीग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम, ग्राम। यानी कि आपका सॉल्यूशन के अंदर 1000 ग्राम हो गया तो 1000 ग्राम इज इक्वल टू वन लीटर तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा वन मिलीग्राम सॉल्यूशन इन द लीटर ठीक है तो आपका एक पीपीएम का मतलब होता है कि एक लीटर में एक मिलीग्राम आपका ऐड करना ठीक है तो वो हमारा क्या कहलाता है इसके अंदर हमारा जो है सॉल्यूशन रहेगा ठीक है तो उम्मीद के अकॉर्डिंग ये आपको समझ में आया होगा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपको कई बार कन्वर्जन करना पड़ता है कि भाई पर्टिकुलर आपका जो प्रोडक्ट है उसको हमें किसके अंदर जैसे एडिशन करना है तो पीपीएम से हम लोग उसको एडिशन आपका करेंगे तो कैसे कर सकते हैं अब मैंने आपको बताया कि भाई एक अगर हम बात करें तो ये कितने इक्वलेंट हो गया अप्रोक्सीमेटली यहां पर वन ग्राम किसमें वन लीटर में वन ग्राम किसमें में वन लीटर में? में और वो आपका वन पीपीएम कितने में हो गया वन पीपीएम हो गया वन मिलीग्राम वन लीटर में ठीक है और वन ग्राम कितने इक्वलेंट होता है आपका यहां पर सॉरी टेन ग्राम सॉरी माफी चाहता हूं दस ग्राम दस लि, एक लीटर के अंदर तो यहां पर आपका अगर हम बात करें तो एक ग्राम की इक्वलेंट था कितना एक हजार मिली एक हजार आपका ग्राम सॉरी मिलीग्राम लेकिन यहीं पर अगर हम बात करें तो ये आपका है वन मिलीग्राम और ये आपका है टेन ग्राम तो टेन ग्राम मतलब टेन थाउजेंड मिलीग्राम और किस में वन लीटर में तो एक्चुअली अगर हम बात करें तो पीपीएम से जब आपका परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी भी वैल्यू को तो याद रखना जब हम पीपीएम को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो उसको टेन रेज टू द पावर फोर से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे और वैल्यू आपकी किसमें आ जाएगी परसेंटेज में आ जाएगी वहीं अगर आपका किसी भी वैल्यू परसेंटेज में दी गई है उसको हम PPM में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो याद रखना इसको हम लोग क्या कर देंगे? 10 4 से कर देंगे देंगे टू पावर से मल्टीप्लाई और वो वैल्यू हमारी किस में आ जाएगी? PPM में आ आ जाएगी जाएगी ठीक है तो ये वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए क्योंकि यहां से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और बहुत तो बार पूछे जाते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है ठीक है तो यहां पर आपका जो क्वेश्चन था उसके ऊपर बढ़ता हूं मैं आगे ये आपका यहां पर जो वैल्यूज दी जाती है इनको आप लोग जरूर याद रखें और खासकर जो पीपीएम होता है पीपीएम उन प्रोडक्ट के लिए यूज करते हैं जो आपके हॉर्मोन्स होते हैं जो बहुत माइन्यूट क्वांटिटी के अंदर यूज किए जाते हैं किसके अंदर आपके अः मतलब स्प्रे करने के लिए या फिर हम यू कह सकते हैं कि फील्ड के अंदर ठीक है तो उन केसेस में हम लोग क्या करते हैं आपका पीपीएम वैल्यू को यूज करते हैं नेक्स्ट आपका अगला एक क्वेश्चन है क्वेश्चन का नाम दीजिए जरा नेम द डिजीज ऑफ रोज विद ग्रेस व्हाइट पाउडरी पैचेज आर सीन ऑन द टेंडर लीव्स एंड फ्लावर बर्ड मैच्योर लीव्स गेट मालफोम्ड एंड फ्लावर बर्ड फेल टू ओपन एंड प्लांट अल्टीमेटली शोज द विल्टेड अपियरेंस यानी कि आपके रोज के प्लांट के ऊपर ग्रेस व्हाइटिस पाउडर आपको देखने को मिल रहा है और ये व्हाइटिस पाउडर के पैचेस के साथ साथ आपको यहां पर जो ये फ्लावर बर्ड के ऊपर भी है लीफ के ऊपर भी है और स्टेम के ऊपर भी है मैच्योर लीफ गेट मालफोम्ड एंड फ्लावर बर्ड फेल टू ओपन तो फ्लावर बर्ड इसके अंदर ओपन ही नहीं हो रहा है

पाउडरी मिल्ड्यू बहुत सारे बच्चों ने यार आंसर राइट आकांक्षा गिरी वेरी गुड बहुत बढ़िया सब लोगों का आंसर बिल्कुल सही है नेक्स्ट आपका यहां पर पाउडरी मिल्डू के जो सिम्टम्स होते हैं आपको पता है कि लीफ के ऊपर किस प्रकार से देखने को मिलता है पाउडरी कॉजल ओरिजिन है क्या है uh, ठीक है ये यहां पर इंपॉर्टेंट आपका कोजल ओरिजम है जो मेनली आपका अटैक कर रहा है किसके ऊपर आपकी रोज की क्रोप के ऊपर ठीक तो है तो तो इसके सिम्टम्स आपके यहां पर दिए गए हैं एक बार जरूर पढ़ना इनको ठीक है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पर आपका क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द इज सिल्क कॉटन ट्री इनमें से कौन सा आपका सिल्क कॉटन ट्री के नाम से जाना जाता है तो पहला ऑप्शन है सोल दूसरा है सिल्वर ओक तीसरा है यूकेल्टिस चौथा है आपका कैपोक कमॉन हाँ बिल्कुल डेली क्लासेस भी होती हैं अप्रोक्सीमेटली कई बार वन डे का गैप आ जाता है तो उसमें कोई बड़ी बात है नहीं होगी ठीक है लेकिन अदरवाइज यहां पर क्लासेस आपको रेगुलरली देखने को मिलेगी और क्लासेस आपकी जो है जितनी भी डेली क्लासेस होती हैं उनमें आप लोग जरूर आए क्योंकि आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है और जब भी हम लोग क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आते हैं तो काफी अच्छे भी होते हैं ये ठीक है तो ये ये नहीं हो कि मतलब आप एक दिन के अंदर दो दिन के अंदर क्लासेस अगर लेकर आ रहे हैं तो उसमें आप लोग डेली अगर लाइव आएंगे तो डेफिनेटली फिर हम भी आपके लिए डेली लाइव सेशन लेकर आ सकते हैं ठीक है चलिए कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया आंसर आप लोग कीजिए यहां पर क्या है कि विच ऑफ द फॉलोविंग इज ए सिल्क

जाता है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका अगला यहां पर इसका यूज कहां होता है तो वही बताया जा रहा है कि शूटिंग शूट्स एंड इट्स ऑयल इज यूज फॉर द मेकिंग शोप एंड इट्स केक इज यूज एज ए कैटल फीड एंड सेल इज यूज फॉर द फ्यूल क्वेश्चन पूछा गया है कि सर क्रांति क्या होती है ये कौन सी क्रांति आ गई भाई प्रामी क्रांति तो वो तो प्रभानी क्रांति है ना प्रामणिक क्रांति तो नहीं सुना पर भानी क्रांति आपकी वैरायटी का नाम है रेवोल्यूशन नहीं है ये भानी क्रांति जो है वो आपका वैरायटी का नाम है ओकरा का हां बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है नहीं वैसे ये कोई रेवोल्यूशन नहीं है मैं आपको बता दूं कि यहां पर देखो कई बार क्या होता है ये चीजें बहुत मतलब मिसगाइडेड होती है इनको हमेशा ध्यान रखें कि कुछ चीजों को जो आपकी बेसिक है क्योंकि देखो एक सबसे बड़ी चीज क्या है आज प्रेजेंट टाइम में एक तो मतलब हर कोई मतलब यूट्यूब चैनल खोल के बैठ गया सबसे बड़ी चीज ये है ठीक है हर कोई मतलब अपने आप में एक बोल देता है कि हाँ मैं भी पढ़ाने के लिए टीचर हूं तो वो कंडीशन आपकी खराब है आप पढ़ रहे हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहां से पढ़ रहे हो सोर्स आपका क्या है जब तक सोर्स ऑथेंटिक नहीं होंगे तब तक दिक्कत आएगी हमेशा याद रखना और बार बार ये दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि हम लोग क्या करते हैं हम लोग पढ़ते कम हैं और इसमें ज्यादा इन चीजों को देखते हैं कि भाई कहां से एक अलग सी चीज लिखी हुई मिल गई अलग से लिखा हुआ नहीं इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होता important होता है कि जो आपकी बेसिक चीजें हैं उनको बार बार पढ़ो उनको रिपीट करो इसीलिए बार बार मैं ऑथेंटिसिटी का गीत गाता रहता हूं ठीक है मुझे कोई मजा नहीं आता कि मैं ऑथेंटिक 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 बोल बोल के आपके सामने पागल हूं ऑथेंटिक नहीं है भाई ऑथेंटिक जो है आपका यहां पर यह समझना पड़ेगा कि इसकी हाँ बिल्कुल प्रभानी क्रांति आपकी वैरायटी का नाम है बिल्कुल 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 ये मुझे नहीं पता कि डिस्ट्रिक्ट क्या है डिस्ट्रिक्ट से लिया गया है लेकिन आपको इतना बता दूं कि प्रभानी क्रांति हां वेरायटी भाई आपने प्रभानी क्रांति चलो ठीक है नॉट ए बिग डील वापिस आइए हमारे टॉपिक के ऊपर हम लोग कहां थे क्योंकि इन चीजों पे इन वहम को छोड़ दीजिए साइड कीजिए क्योंकि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए इंपॉर्टेंट अभी प्रेजेंट टाइम में जो सेशन चल रहा है ठीक है माफी चाहता हूं बीच में अगर आपके इन चीजों से इंटरप्शन मत किया करो कई बार क्वेश्चन जो है छूट जाता है मेन क्वेश्चन जो होता है ठीक है बाकी इस पर फोकस करो चलिए ऑन वापिस आइए तो क्वेश्चन यहां पर आपके सामने है इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवाइड ऑफ ट्रीज ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन सिचुएटेड इन प्लेस अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया विद इन द ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द ट्री ग्रोथ क्या बोला जा रहा है कि यहां पर आपका एक एरिया है जो फॉरेस्ट्री से थोड़ा सा हटकर है और उसके अंदर क्या है कि यहां पर फॉरेस्ट्री इन एरिया डिवाइड ऑफ ट्री ग्रोथ एंड अदर वेजिटेशन सिचुएटेड इन द प्लेस ठीक है एक प्रकार से प्रैक्टिस है किसकी फॉरेस्ट्री की इसके अंदर क्या किया जा रहा है यहां पर अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया जो आपका कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया होता है उससे हटके इसको यहां पर आपका किया जाता है अब इसमें क्या होगा कि विद ऑब्जेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया अंडर द ट्री ग्रोथ ठीक है चलिए बिल्कुल भाई आजमगढ़ की धरती से परिणाम तो आपको भी बहुत सारा परिणाम चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है कि सर रिक्रिएशनल फॉरेस्ट्री किसी का आया है आपका सोशल फॉरेस्ट्री किसी का मिक्स फॉरेस्ट्री किसी का एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री बट इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका यहां पर क्या होगा एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री होगा ठीक है मैंने ये डेफिनेशन तो आपको फॉरेस्ट्री का एक पूरा सेशन लिया हुआ है अगर आप उस फॉरेस्ट्री के सेशन को पूरा ऑब्जर्व करोगे तो आपको मिल जाएगा उसके अंदर पूरा अच्छे से लेवल अगर बना के मैंने वहां पर कोशिश की थी कि आप लोगों को मैक्सिमम पार्ट उसमें कवर कर सकूं पूरा एग्रो फॉरेस्ट्री का एक सेशन लिया गया है और ज्यादातर क्वेश्चन आपके उसी एक सेशन में से पूछ लिए जाते हैं

तो यहां पर क्या है कि सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस है और ये किसमें हो रहा है ज्यादातर आपका कंडीशन के अंदर हो रही है तो वो कौन सा होगा लेटराइजेशन होगा ग्लीजेशन होगा, होगा या फिर होगा कम ऑन वेरी गुड हां बिल्कुल पढ़े हो तो अच्छी बात है सेशंस को लगाया करो आपके काम के होते हैं ज्यादातर वेरी गुड बहुत बढ़िया आकांक्षा भरत काटियार अजय मिश्रा अर्चना रविंद्रा हरिओम सिंगला रजिता प्रकाश सिंह मंगेश सब लोग हाजिरी तो लगा दो कम से कम है भाई अंशुमान गुड सुरुचि ऑन, वेरी गुड चलिए तो यहां पर आपका जो आंसर जाएगा वो क्या जाएगा इसके अंदर ग्लीजेशन होगा आपको पता होगा ग्लीजेशन होरिजन में क्या होता है लगातार वाटर लाउड कंडीशन रहती है और उसके अंदर क्या होता है लगातार पानी खड़ा रहने की वजह से एक प्रकार से हाइड्रोमोर्फिक सिचुएशन वहां पर क्रिएट हो जाती है और उसमें आपका वहां पर कौन सा आपका कंडीशन बनती है कौन सा प्रोसेस होता है वो आपका ग्लीजेशन प्रोसेस होता है जिसके अंदर आपका होरिजन जो है क्योंकि लगातार डिपोजिशन की वजह से वॉटर की वजह से पूरा का पूरा जो आपका ऊपर सरफेस एरिया होता है वो वहां पर क्या देखने को मिलेगा आपको ग्रे देखने को मिलता है ठीक है बाकी इसके अंदर आपको पता होगा लेटराइजेशन क्या होता है एक प्रकार का प्रोसेस है

of iron and manganese cause the typical blue stroke ग्रेनिस ओरिजन विद मॉटलिंग ऑफ येलो और द रेडिस ब्राउन कलर तो यहां पर क्या होगा मेनली आपका जो आपका आयरन और मैगनीज होता है वो सरफेस में से रिमूव हो जाएगा और नीचे चला जाएगा उस केस के अंदर क्या होगा यहां पर आपका जो सरफेस होगा वो अप्रोक्सीमेटली ग्रे या येलो इस उसके अंदर ओरिजन के अंदर आपको जो है एक आपका शेड देखने को मिलता है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका है ऑफ द प्लांट टिश्यूज कार्बन आपका कार्बन नियरली तो यहां पर अगर प्लांट टिश्यूज की बात करें उसमें कार्बन अप्रोक्सीमेटली कितना परसेंट होता है यही बात पूछी जा रही है सिक्सटी सेवेंटी थर्टी या फिर फोर्टी फाइव परसेंट कम ऑन वेरी गुड कार्बन कंटेंट कितना होगा

अगर क्या बनाते हैं 95% पार्ट बनाते हैं प्लांट का लेकिन अगर कार्बन की बात करें तो 45% है हाइड्रोजन की बात करें तो 5% है और ऑक्सीजन की बात करें तो ये भी आपका एप्रोक्सीमेटली कितना होता है 45% यहां पर आपको देखने को मिलता है ठीक है चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें हां बिल्कुल बिल्कुल बेटा सही बात है रमन कहां खो गए हो बेटा 70% कैसे होगा ठीक है आई थिंक सो एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई होगी माफी चाहता हूं नेक्स्ट आपका है ऑफ द द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया इनमें से कौन सा आपका फोस्फोरस सोलिब्लाइजिंग बैक्टीरिया होगा कम ऑन जल्दी से आंसर दीजिए कि यहां पर आपका फोस्फोरसिंग बैक्टीरिया कौन सा है एसपेजिलसमोरी या पॉलीमेक्सा uh, या फिर एजोटोबैक्टर या फिर बोथ ए एंड बी कम ऑन वेरी गुड अंकित प्रकाश अर्चना अजय एस एल चौधरी अर्चना प्रकाश अविनाश कम ऑन प्रकाश प्रकाश ने आंसर दे दिया है बोथ एंड बी बाकी लोग भी आंसर दीजिए कम ऑन वेरी गुड बहुत बढ़िया देखिए घबराइए मत सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये होता है कि क्वेश्चन का आंसर देना सीखो क्वेश्चन का आंसर अगर आपको देना आ गया तो ये वादा है कि आप लोग बहुत अच्छे से इन चीजों को सीख पाएंगे मैं बार बार आपको बोलता हूं कि क्यों अगर आपको पता चल गया किसी भी चीज का क्यों अगर आपके पास है तो डेफिनेटली आप लोग बहुत कुछ कर सकते हो और क्यों का मतलब ये नहीं होता कि हम हर चीज को मैं बार बार आपको बोलता हूं कि फैक्ट को रट्टा मत मारो ट्रिक्स मत फॉलो किया करो फॉलो किया करो उसका कॉन्सेप्ट अगर कॉन्सेप्ट फॉलो आपने कर लिया तो ये मेरा वादा है कि कभी आप लोग उन चीजों को भूल नहीं सकते ठीक है तो यहां पर आपका फोस्फोरोसोलोलाइज बैक्टीरिया के अंदर बताइए क्या होगा आंसर कम ऑन वेरी गुड आंसर यहां पर अगर आपने डी किया सॉरी बी किया है तो आपका आंसर सही है अदरवाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा यहां पर क्या है बेसिलस पॉलीमेक्सा ठीक है डी नहीं आएगा आपका, आएगा, आपका बी आएगा ठीक है एस्पेरेजल्स अवामोरी नहीं होता है इसके अंदर चला क्यों नहीं होता है? अब देखो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है अब आंसर प्रकाश ने सॉरी बोला लेकिन सॉरी क्यों बोला मुझे ये बताओ पहले तो क्योंकि देखो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है वो समझनी बहुत जरूरी है ठीक है मैं बार बार आपको बोलता हूं कि कभी भी आप कोई भी मिस्टेक करते हैं तो मिस्टेक का रीजन हमें पता होना चाहिए ठीक है हां सिंगला क्यों बोला साहब क्वेश्चन क्या था द्वारा पढ़ो ठीक है और अब पढ़ो ठीक है मतलब आपका एस्पर्जिलस यहां पर क्या है फंगस है लेकिन आपका बेसिलस जो यहां पर है वो आपका क्या है बैक्टीरिया है और उसी प्रकार सोडोमनास्टेटा भी क्या है आपका बैक्टीरिया है ठीक है तो ये क्या करते हैं आपके इन सोल्यूबल फॉस्फोरस होती है उसको सोल्यूबल फॉस्फोरस में कन्वर्ट करते हैं और उसी के साथ उसको अवेलेबल करवाते हैं किसके लिए प्लांट के लिए क्योंकि आपको पता है फॉस्फोरस ज्यादातर क्या होती है फिक्सेशन फॉर्म में प्रेजेंट होती है समझ में आया तो ये आपको यहां पर पढ़ना चाहिए हाँ फंगस और बैक्टीरिया नहीं देखते हो अरे बेटा रमन ये दोनों होते हैं लेकिन क्या होते हैं क्वेश्चन क्या है प्लीज रीड द क्वेश्चन केयरफुली दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बार बार यही बोलता हूं और यही मिस्टेक हम लोग करते हैं ठीक है ना मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप लोग क्वेश्चंस को अगर अच्छे से पढ़ गए तो ये वादा है कि क्वेश्चन का आंसर आपका गलत नहीं हो सकता सबको पता था कि क्या होता है लेकिन अगर हम क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे तो गलती हमसे हो जाएगी अब इतने इजी क्वेश्चन में हमने गलती की है 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 और कितनी बार आपको करवाया हुआ है? ये भी आप लोग जानो ठीक चलिए वेरी गुड बहुत बढ़िया ठीक है तो आज के लिए सेशन इतना ही रखें मिले कल के सेशन में क्वेश्चन और भी हैं लेकिन अभी थोड़ा सा थक गए हैं ना क्योंकि आज की क्लास में आपको लग भी रहा होगा कि उतना इफेक्टिव मतलब मैं अपना नहीं दे रहा हूं है ना तो ये इंपॉर्टेंट भी है है ना कोशिश की थी कि आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दें लेकिन माफी चाहता हूं बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये हमारे लिए भी इम्पॉर्टेंट है और आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बाकी बच्चों तक पहुंचेगा तो कम से कम हम और अच्छे एफर्ट्स के साथ आप लोगों को सेशन प्रोवाइड करवा पाएंगे और बाकी आप हमारे किसी भी बैच के अंदर अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम आप हमें फॉलोअप कर सकते हैं और जिसमें हम लोग आपको प्रोवाइड करवाते हैं क्लासेस इफेक्टिव स्टडी मटेरियल और टेस्ट सीरीज जिसमें आपको प्रैक्टिस के लिए लाखों मतलब आपके मतलब लाखों नहीं हज़ारों क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है थैंक यू so much have a great day zahin zabharat